न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। फिर से एक बार नरेंद्र भाई के खिलाफ नेशनल मीडिया, इंग्लिश मीडिया और अखबार आग उगल रहे हैं। क्या चाहते हैं ये मीडिया वाले? क्या चाहते हैं? नरेंद्र भाई को फांसी लगा दे? मैंने पहले भी कहा कि नरेंद्र भाई कितनी परीक्षा देंगे। सीता माता की एक बार अग्नि परीक्षा ली गई थी, 100 बार तो नहीं ली गई। उन्हें लंका में कहा गया कि आप अग्नि परीक्षा दे दो ताकि सब, मुझे पता है रामचंद्र जी ने कहा, मुझे पता है कि आप पवित्र हो, मगर दुनिया ऐसा ना कहे कि आप अपवित्र थी तो आप अग्नि परीक्षा दो। एक बार उन्होंने लंका में अग्नि परीक्षा दे दी, फिर अयोध्या जब पहुंचे तो फिर अग्नि परीक्षा नहीं दी। तो ये नरेंद्र भाई के खिलाफ ये जो नेशनल मीडिया, वो कुछ भी करते हैं। नरेंद्र भाई किसी से हाथ मिला लेते हैं तो अखबारों में और मीडिया में सुर्खियां बन जाती है कि नरेंद्र भाई ने बिहार के मुख्यमंत्री से हाथ मिलाए, और उस पर लालू जी अपनी टीका कर रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई से कैसे हाथ मिला सकते हैं? अरे कोई अछूत आदमी है क्या नरेंद्र भाई? क्या गुजराती अछूत है? क्यों बिहार का मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई से हाथ नहीं मिला सकता? दुश्मन देशों से हाथ मिला सकते हैं। ये लालू ने जब वाजपेयी जी पाकिस्तान के राष्ट्रपति से गले मिल रहे थे, तब उन्होंने नहीं कहा कि तुम पाकिस्तान के राष्ट्रपति से कैसे गले मिल सकते हो? और जब गुजरात के मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री से हाथ मिला लेते हैं, नीतीश से हाथ मिला लेते, दोनों ही एक ही मोर्चे में है, तो बवाल खड़ा कर दिया जाता है। नरेंद्र भाई का नाम टाइम मैगजीन में आया तो उसका भी बवाल चल रहा है कि पैसे से मैनेज किया, वो मैनेज किया। अरे भाई, बाकी के मुख्यमंत्री को कौन ना बोलता है? टाइम बिकाऊ है तो आप भी खरीद लो टाइम को और करो, अपनी फोटो पहले पन्ने पे ले आओ। हर एक बात पर नरेंद्र भाई को टारगेट करते करते ये इंग्लिश मीडिया ने और नेशनल मीडिया ने, हम जो गुजराती है उनको मार मार के नरेंद्र भाई के प्रेमी बना दिए। हमें इतना, गुजरातियों को इतनी बुरी तरह से कोसा जा रहा है नेशनल मीडिया में, जैसे हमने मुसलमानों की कोई कत्लेआम कर दी हो। जब भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तब लाखों हिंदू मुसलमान मरे थे, तब भी इतनी चर्चा नहीं थी जितनी चर्चा गुजरात के 2002 के दंगों के बारे में पिछले 10 साल से चल रही है। तो नरेंद्र भाई के खिलाफ भाई सीबीआई जांच करे, ये जांच करे, सीट जांच करे, सुप्रीम कोर्ट की सीट जांच करे, एक आयोग जांच कर रहा है, बेनर्जी कमीशन जांच कर रहा है, अब 100 बार एक ही बात को उठा उठा के कहा जा रहा है। और इंग्लिश मीडिया ने कहा तक बात ले गए, इंग्लिश मीडिया वाले, एक थियरी चलाई गई कि गोधरा में जो कांड हुआ, गोधरा में जो 66 हिंदू कार सेवक मारे गए, वो मुसलमानों ने नहीं मारे। अब बड़े हंसने वाली बात, बड़े ताज्जुब की बात यह है कि गोधरा का कोई मुसलमान नहीं कह रहा है, गुजरात का कोई मुसलमान नहीं कह रहा है। गोधरा कांड के 6 महीने तक, 1 साल तक गुजरात का कोई मुस्लिम लीडर नहीं कह रहा है कि ये कार सेवकों की हत्या नहीं हुई, मुसलमान उसमें शामिल नहीं थे। मगर नेशनल मीडिया थियरी लेके आ गया कि ये पूरा मामला जो था वो एक साजिश थी, अंदर से पेट्रोल डाला गया, अंदर से ही डब्बे को आग लगाई गई। तो बात इतनी तक ये मीडिया ले गए कि बेनर्जी कमीशन ने, जो लालू प्रसाद ने बिठाया था, जानबूझ के बिठाया था, वो रेलवे मंत्री थे, रेलवे की ओर से एक जांच बिठाई गई, और बेनर्जी साहब ने ये इंग्लिश मीडिया की जो थियरी थी अंदर से आग लगाने की, साजिश वाली, वो बात उठा ली बेनर्जी साहब ने, कहने लगे साजिश है। अरे भाई, गुजरात भारत लोकशाही देश है, गुजरात में नरेंद्र भाई का भाजपा का राज है, आपका पूरे भारत में
सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस बैठी हुई है, सेंट्रल की भी आईबी है, सेंट्रल के भी अपने रिसोर्सिस है, ढूंढ निकालती कोई कोई ये ऐसी थियरी होती तो ढूंढ निकालती, ठोस सबूत के साथ आती कि गुजरात के मुख्यमंत्री शामिल थे इसमें। तो बात यहां तक आ गई कि अंदर जो 66 कार सेवक बैठे थे उन्होंने ही साजिश की कि हम खुद खुशी कर लेंगे, नरेंद्र भाई को प्रसिद्ध करने के लिए हम मर जाएंगे। अब ये बिल्कुल बेतुका बात है, कोई भी लोकशाही देश में इतना बड़ा षड्यंत्र नहीं हो सकता। एक दो आदमी की हत्या की बात अलग है, हम मान लो कि नरेंद्र भाई ऐसी साजिश करना चाहते भी है तो कितने लोगों को बताना पड़ेगा, पहले तो उनको दो चार साथीदारों को बताना पड़ेगा। अब उस समय जो होम मिनिस्टर थे वो आज उनके खिलाफ खड़े हो गए, वो तो बोलते, उनके होम मिनिस्टर तो बोलते, चिल्लाते, यूनो में जाके लेक्चर देते कि मुझे नरेंद्र भाई ने ये सूचना दी थी कि तुम ये साजिश बनाओ, गोधरा में आग लगवा दो। अब अंदर जो 66 आदमी मर गए उसमें से 2-5 को तो बताना पड़ता कि अंदर से ऐसा ऐसा करना है, पेट्रोल लेके ही निकलना है, गोधरा पर ही वो पेट्रोल डालना है, वहीं डब्बे को जलाना है, सिंगल फलिया के पास में ट्रेन रुकवा देनी है। अब रेलवे कर्मचारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, वो भी साजिश में शामिल थे क्या? पुलिस हटा दी गई गोधरा पर, पुलिस को सूचना देनी पड़ती कि आप लोग वहां पहुंचो ही मत। तो ये बिल्कुल बेतुकी बात है और चली। और होता ये है कि जितना प्रयत्न ये नेशनल मीडिया नरेंद्र भाई को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, तीस्ता से तलवाड़ और कई मुस्लिम लोगों की जमात है जो चाहती नहीं है कि गुजरात के मुसलमान चैन से जिए, उन्होंने इतना शोरगुल मचा के रखा है कि जो गुजराती है उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। मैं नरेंद्र भाई की कई बातों के खिलाफ हूं, मैं उनकी कई बातों के साथ बिल्कुल असहमत हूं, मगर जब ये बातें चलती है तो मेरे जैसे पत्रकार को, तटस्थ पत्रकार को धकेला जाता है कि आप नरेंद्र भाई की फेवर में खड़े हो जाओ। कोई भी गुजराती खड़ा हो जाएगा नरेंद्र भाई के साथ कि ये क्या, हर रोज एक ही बात, इतनी सारी तपा। और गुजरात में सैकड़ों गुजरात हिंदू, सैकड़ों मुसलमान जेल में पड़े हुए, सैकड़ों हजारों पड़े हुए हैं, हजारों के सामने केस चल रहे, 100 की संख्या में लोगों को सजा हो गई, जन्म डीप हो रही है, पूरे फैमिली बर्बाद हो रहे हिंदू मुसलमान के। और ये 2002 का मामला है, 10 साल में कितने लोगों को सजा हो गई, केस चल गए। और 1984 में 7,000 सिखों की हत्या हुई, आज तक बता दे मुझे कोई कि दिल्ली में एक छोटे से आदमी को शिक्षा हुई हो, कोई छोटे से कांग्रेसी को जेल में डाल दिया गया हो। सज्जन कुमार की और पायलट साहब की तो बात ही छोड़ो। तो ये नरेंद्र भाई के खिलाफ बार बार जो आग उगलना है वो पूरे गुजरात को यूनाइट कर रहा है। पूरे गुजरात के लोग जहां भी बैठे हैं, कोई भी देश में बैठे हैं, उन्हें अब लगने लगा है कि हमारी गुजरात की अस्मिता, हमारे गुजरात का गौरव अगर बचाना है तो हमें नरेंद्र भाई को मत देना पड़ेगा, नरेंद्र भाई के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। बातें बहुत बुरी हुई 2002 में, कोई मना भी नहीं कर रहा है, कोई नहीं कह रहा है कि अच्छा हुआ, दंगे हुए अच्छे हुए। और आप जो बाहर बैठे हुए मीडिया वाले हैं, बाहर बैठे जो गुजरात के बाहर बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने कुछ सहन नहीं किया। हमने महीनों की रोजी गवाई, हमने महीनों तक कर्फ्यू बैठा, हमने हमारे स्वजन गुमाए, हमने हमारे स्वजन जेल में पड़े हुए हैं। गुजरात लोहे लुहान हो गया था, हो गया था, मगर अब हम बाहर आ रहे। मुझे कोई कभी किसी मुसलमान भाई ने नहीं कहा गुजरात के कि मेरी दुकान खाली हो गई, कोई आता ही नहीं लेने के लिए, हिंदुओं ने बहिष्कार कर दिया। मेरा अजीत दोस्त है मुसलमान, तो कोई नहीं कहता कि हमारी दुकान से कभी कोई बहिष्कार हुआ। जब कर्फ्यू उठता था, दो दो तीन तीन चार चार लोग के मर्डर हो जाते थे बड़ौदा में, गुजरात में, और कर्फ्यू उठता था, मुसलमान भी दुकान खोलते थे, मुसलमान की दुकान पे हिंदुओं की लाइन लग जाती थी,
मुस्लिम एरिया में हिंदू की दुकान है वो भी दुकान सजाता था। हम भूलना चाहते, हम ये बात हमारे खून से निकालना चाहते, मगर आप लोग हैं, ये मीडिया है, कोई ना कोई बात निकाल के, छोटी सी भी बात खड़ी हो जाती है, हवा खड़ा कर देता है, नरेंद्र भाई, वो छींक भी खाते हैं तो पूरा मीडिया बेहोश हो जाता है कि नरेंद्र भाई ने छींक क्यों खाई, इस समय क्यों खाई, ऐसे क्यों खाई, रुमाल क्यों नहीं निकाला। अरे भाई, नरेंद्र भाई को इतनी बदनामी तो मत दो कि उनके जो नहीं चाहने वाले हैं वो उनके प्रेम में पड़ जाए, और वही हो रहा है गुजरात में। नरेंद्र भाई लोकप्रिय है, अच्छे काम भी किए हैं, मत जितने अच्छे काम किए उससे भी ज्यादा लोकप्रिय होने का एक ही वजह है, एक ही का रीजन है उनका, वो है ये मीडिया। तो हम चाहते हैं कि भाई हम भूल जाए 2002 को, हम एक दूसरे के गले मिल रहे, एक दूसरे के त्योहार में शामिल हो रहे, एक दूसरे के दुकानों से खरीद कर रहे, एक दूसरे के घर आना जाना होता है। रात को बड़ौदा में रात को 2 बजे भी कोई हिंदू लड़की 14 साल की 15 साल की मुस्लिम एरिया से जा रही है, कोई खतरा नहीं है, कोई कभी तकलीफ नहीं हुई। मुस्लिम लड़की है पूरे बड़ौदा में, कहीं भी रात को 3 बजे अपनी स्कूटी लेके जा रही है, कभी किसी ने उसे रोका नहीं, छेड़ा नहीं। अरे हम शांति से जी रहे हैं, जीना चाहते तो जीना है दो हमें, ये तो क्या बात हुई, ये बंदरों जैसा खेल चल रहा है। बंदर जो है वो कहीं उछल कूद में उसको अगर छोटी सी भी चोट आ जाती है, खून बहने लगता है शरीर से, तो बाकी के बंदर आके उसको वो घाव को खोल खोल के देखते हैं। एक छोटे से घाव अगर बंदर को, एक छोटा सा घाव हो गया और खून बहने लगे तो उसके रिश्तेदार उसे फाड़ देते, चीर देते हैं, वो मर नहीं जाएगा, वहां तक उसको छोड़ते नहीं। हर बंदर उसे खोल के देखता है कि घाव रुझा के नहीं, घाव रुझा के नहीं। अरे ये कोई रीत है क्या? हमें भूल जाने दो 2002 को, हम अभी 2022 की बात करना चाहते कि 2022 में गुजरात कैसा हो, और आप है कि 2002 से आगे नहीं बढ़ना चाहते। आज रिपोर्ट क्या आ गई, एमिकस क्यूरी की डिक्लेयर हुई कि भाई ये नरेंद्र भाई के सामने हो सकता है, बात गलत भी नहीं है, मगर अभी ये बात को लेके उछालना, आप इसके फिर ये राजू भाई की रिपोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना, फिर से तपास पंचनीमो, फिर से तपास कराओ, बस बहुत हो गया। अब मैं चाहता हूं कि गुजरात के मुसलमान उठ खड़े हो, गुजरात के मुसलमान कहे कि बस बहुत हो गया, हमें इंसाफ मिल रहा है, धीरे मिल रहा है, सही मिल रहा है। ये बाहर गुजरात के बाहर के 2-4 व्यक्तियों के, तीस्ता सेतलवाड़ एंड कंपनी के कहने से, गुजरात में कुल मिला के 200 आदमी है जिसे इसमें इंटरेस्ट है। 6.5 करोड़ की बस्ती में से 200 आदमी चाहते हैं कि ये बात खड़ी हो, बाकी की जनता जो है अमन चाहती है, शांति चाहती है। हम पहले भी याद रहे, आप लोगों ने तो दंगे देखे ही नहीं, आजादी के बाद सबसे ज्यादा दंगे गुजरात में हुए, कांग्रेस के राज में हुए, हितू भाई के राज में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, गुजरात में 8 महीने 9 महीने तक दंगे चले, 3,000 के आसपास लोग मरे, और वो भी हम भूल गए, कोई याद भी नहीं करता, तो ये भी भूल जाएंगे। ये हितू भाई वाली बात कोई बड़ी दूर की बात नहीं है, मगर भूल गए। बड़ौदा तो कैपिटल ऑफ कम्युनल डिस्टर्बेंस है, हमारे बड़ौदा में जितना कर्फ्यू लगा है इतना कर्फ्यू शायद ही कोई गांव में लगा हो भारत के, मगर हम फिर भी कर्फ्यू पूरा होते ही अमन से जीते हैं। तो आप, हम अमन से जीते तो आप भी शांति से जिए। हमें गुजरात में कोई ना हिंदू को खतरा है, ना मुसलमानों को खतरा है, ना नरेंद्र भाई से खतरा है, ना भाजपा से खतरा है, ना कांग्रेस के खतरा है। हम गुजराती जो है अपने आप को मैनेज कर लेंगे, ये बाहर के जो पत्रकार मित्र है वो अपने अपने गांव के ओर देखे, उनके जो उनका जो आसाम है, उनका जो यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, वहां क्या हो रहा है उसकी जरा ज्यादा चिंता करें। सीधी बात में आज बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।